अपोजिशन इत्तेहाद ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी, सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीडीएम के जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शब्बर जैदी और सज्जाद बाजवा के इल्जाम हुकूमत के खिलाफ FIR है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की मजम्मत, दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक रब्ता। बिलावल ने कहा धांधली के बावजूद ऑपोजिशन ने ज्यादा वोट लिए, कम वोट PTI की आदम मकबूलियत का सबूत है। मरियम नवाज बोली गिलगित बल्तिस्तान के आवाम हमारे बयानिए के साथ हैं। बिलावल और मरियम नवाज के दरमियान जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इलेक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ऐसा इंतखाबी अमल हो जिसे हारने वाला भी कबूल करे। चाहते हैं सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए हों, समंदर पार पाकिस्तानियों का वोटिंग सिस्टम लाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, गुर्दों में शदीद तकलीफ के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल। नवाज शरीफ PDM के इजलास में शरीक नहीं हो सके। मरियम नवाज की वालिद की सेहत के लिए दुआओं की अपील। GBA2 गिलगित में वोटों की दोबारा गिनती, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार का जीत का दावा। मुबैना धांधी के खिलाफ धरना देने वाले जियालों का जश्न। चीरी कमीशन के बरतरफ रुकन ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सज्जाद बाजवा का हुकूमत पर शुगर माफिया को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। शुगर मिल मालिकान को 400 अरब रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचाया गया। सज्जाद बाजवा ने कमीशन कोड रामा करार दे दिया। कोरोना की सूरत हाल खतरनाक, आजाद कश्मीर में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। तमाम तालीमी इदारे कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। सरकारी दफातर में 50% हाजिरी रखी जाएगी। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। सईद गनी का ऐलान, बोले पहले ही ज्यादा छुट्टियां हो चुकी हैं। NCOC में मामले पर बहस होगी। बलोचिस्तान के तालीमी इदारे 1 दिसंबर बंद कर दिए जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना है छुट्टियां फरवरी के आखिर तक जारी रहेंगी। वफाकी काबिना ने कोरोना की अद्वियात पर दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी। अद्वियात टैक्स फी दरामद की जा सकेंगी। हुकूमत का कोरोना से बचाव की वैक्सीन खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग का फैसला। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद का कहना है कि दो वैक्सीन साज इदारों से बात हो चुकी है। PSL 5 का फाइनल टाकरा, कोई कराची किंग्स का सपोर्टर तो किसी को लाहौर कलंदर से प्यार। दोनों टीमों के फैंस सोशल मीडिया पर भी आमने सामने, ट्विटर पर फाइनल टॉप ट्रेंड बना दिया। नून लीग का कल मानसहरा में जलसा, इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार। जलसा तो होगा, ओछे हथकंडे नहीं मानते, नून लीग का जवाब। मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा मतवालों का जोश बढ़ाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का तोशाखाने के सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये के अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। क्या नीलामी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और मखसूस अफराद के लिए है? बाकी सब क्या कीड़े मकोड़े हैं? क्या ये इम्तियाजी सलूक और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? आवाम की आवाज़ 24 न्यूज़ की बंदिश का 78वां रोज। आवाम पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर में सहाफियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। कोरोना SOPs का ख्याल, ना ही ट्रैफिक कवानीन का एहतराम। लाहौर में 9 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सफर करने वाले शहरी का ट्रैफिक वार्डन ने चालान कर दिया। क्या ट्रंप का बुरा वक्त शुरू होने वाला है? इस वक्त ट्रंप को बतौर सदर इस्तिस्ना हासिल है।
व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद आम शहरी बन जाएंगे। ट्रंप पर रिश्वत, जिंसी हरासानी, टैक्स फ्रॉड जैसे इल्जामात हैं।